हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक शादाब गेमिंग स्टार यूट्यूब चैनल। सो गाइस, यहाँ पर रियल क्रिकेट 24 लॉन्च हो गया। अब इसका फुल रिव्यू करने वाले आज के वीडियो में, आपको एक एक फीचर्स बताने वाले इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के बी कर देना, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर सबसे पहले यहाँ पर गेम को जैसे अपडेट करेंगे रियल क्रिकेट 22 को, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हुए सबसे ऊपर के आपको यहाँ पर क्विज का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, मिशन देखने के लिए मिल जाता है, शॉर्ट बुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, मूड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, प्रोफाइल और नेट्स और यहाँ पर टिप्स और सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे आपको होम देखने के लिए मिल जाता है, मल्टीप्लेयर टूर्नामेंट मोड्स और आपको स्टोर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑर्गन टूर्नामेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब जो भी हम यहाँ पर टूर्नामेंट खेले आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आपको क्विक मैच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, आपको टेस्ट मैच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है होम इंटरफेस के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके कॉइन्स और टिकट आपको जितने थे आपके रियल क्रिकेट 22 के अंदर, वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही चैप्लॉस से बात है। लेकिन देखकर आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर बैड न्यूज भी, वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर आप यहाँ पर जैसा क्लिक है आपको यहाँ पर क्विज देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर रियल क्रिकेट 22 के अंदर तो वही सेम यहाँ पर क्विज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसी के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिशन भी वही देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट बुक आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलता है। तो गाइस, आपका जो सबसे डिमांडेड फीचर था भाई कम्युनिटी मोड्स फीचर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि भाई ये जो फीचर भाई आपको पेड देखने के लिए मिलेगा, अगर अगर आपको इसको ओपन करना है भाई, आपको इसका एक्सेस लेना है, तो आपको यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। और आप इसके अंदर मतलब 512 MB तक आप इसके अंदर कुछ भी यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन गाइस आपको यहाँ पर 256 इसके अंदर कुछ यहाँ पर क्रेडिट देखने के लिए मिलेगा। और देखो आपको यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं भाई, अगर गाइस आप इसको अगर 30 दिन के बाद अगर इसको आप रिन्यू नहीं कराते, तो भाई यहाँ पर जो भी यहाँ पर इस गेम के अंदर डाउनलोड करेंगे जर्सी रियल फेस यहाँ पर जो भी यहाँ पर टूर्नामेंट एडिट करेंगे भाई, वो सब कुछ यहाँ पर चले जाएगी अगर आप इसको रिन्यू नहीं कराएंगे भाई। ये बहुत ही बड़ी यहाँ पर बैड न्यूज़ है भाई। पहले तो आप यहाँ पर आपको 200 रुपये हर महीने इनको देना पड़ेगा अगर आपको इसके अंदर रियल जर्सी रियल फेस ऐड करना है। अगर हमें नहीं देते तो आपके गेम में आप जितना भी ऐड करेंगे सब कुछ यहाँ पर चले जाएगा। तो भाई मेरे को सबसे खराब फीचर भाई ये लगा है कि यार कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर कैसे आप इसके अंदर 200 रुपये दे रहे तो भाई आपका जो भी यहाँ पर ऐड करते थे भाई, वो सब कुछ यहाँ पर रहने देना चाहिए था भाई, अगर आप इसको रिन्यू नहीं भी कराते। लेकिन भाई आपको यहाँ पर हर बार इसको रिन्यू कराना पड़ेगा हर महीने अगर आपको इसके अंदर रियल जर्सी रियल फेस चाहिए। तो अगर आपको इसको फ्री में अनलॉक करना तो मेरे को कमेंट करो, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अब किस बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। तो देखो नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पर टूर्नामेंट का, यहाँ पर देख सकते हैं आप टूर्नामेंट के ऑप्शन पर यहाँ पर जैसा क्लिक करें आपको यहाँ पर इंटरनेशनल डोमेस्टिक आपको टूर्नामेंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। भाई इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई वर्ल्ड कप 2023 का यहाँ पर लॉक बता रहा है, जबकि भाई यहाँ पर मेरे 100 लेवल है और 98 लेवल पर अनलॉक होगा। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ गिलीज आ गया भाई, कुछ यहाँ पर इसके अंदर बक्स आ गया भाई, ये आपको यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिलेगा। आप इसको बाय करने की जरूरत नहीं, आपको 98 लेवल अगर आपके पास होगी 100 लेवल तो आप इसको फ्री में अनलॉक कर पाएगा भाई। यहाँ पर इसका एक और अपडेट आएगा बक्स फिक्स अपडेट, उसके अंदर ये फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक के अंदर भाई, यहाँ पर देख सकते हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट के अंदर आपको सब कुछ जो आपको रियल क्रिकेट 22 के अंदर टूर्नामेंट मिलते थे वही आपका इसके अंदर आपको देखने के लिए मेरा। अब गाइस यहाँ पर बात करते हैं भाई मल्टीप्लेयर के बारे में, तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लेयर का कुछ इस तरह से होम इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। 2 vs 2 का यहाँ पर फीचर हटा दिया गया, क्योंकि भाई अभी वो फीचर यहाँ पर आया नहीं, जब आएगा यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर रैंक देखने के मिल रहा है, अनरैंक देखने के लिए मिल रहा है, फ्रेंड के साथ यहाँ पर खेल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं भाई यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा है। और देखो इसके अंदर भी आपको एक बैड न्यूज़ है भाई मल्टीप्लेयर के अंदर, आपके जितने भी यहाँ पर अच्छे प्लेयर थे भाई, जैसे कि यहाँ पर मतलब लिविस्टन हो गया, वार्नर हो गया, इनकी सबके यहाँ पर टाइमिंग यहाँ पर कम कर दिया गया भाई। जितने के यहाँ पर प्लेयर भाई इनके यहाँ पर टाइमिंग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम कर दिया, जैसा कि भाई वार्नर हो गए, लिविस्टन हो गए, जितने भी आप अच्छे प्लेयर थे जिनके यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज्यादा थी भाई, इनके सबके यहाँ पर टाइमिंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर कम कर दिया भाई। जिनके यहाँ पर 90+ टाइमिंग थी भाई, उनके यहाँ पर 80+ टाइमिंग यहाँ पर हो गई है। देखो सभी प्लेयर के यहाँ पर टाइमिंग को यहाँ पर कम कर दिया गया। तो देखो ये भी इसके अंदर मेरे को अच्छी बात नहीं लगी कि भाई जितने भी यहाँ पर अच्छे प्लेयर थे अब यहाँ पर कुछ काम के प्लेयर नहीं थे। और भाई आपको मल्टीप्लेयर आपको सीजन 4 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आपके पास जो भी यहाँ पर इसके अंदर चीजें थे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर जो भी आपके पास यहाँ पर जर्सी थी, कॉन्टैक्ट कार्ड थे, वो सब कुछ आपको उतने ही देखने के लिए मिलेगा जितने आपको रियल क्रिकेट 22 के अंदर देखने के लिए मिलते थे। चलिए मैं आपको यहाँ पर जर्सी भी आपको लोगों को बताया था, यहाँ पर देख सकते हैं आपको कॉन्टैक्ट कार्ड आपको देखने के लिए मेरा लोगो और बैड स्टिकर आपको देखने के लिए मेरा। ये तो हो गई मल्टीप्लेयर की बात। अब बात करते हैं यहाँ पर क्विक मैच के बारे में, आपको क्विक मैच के अंदर मैं आपको चलिए यहाँ पर बताया था भाई आपको क्विक मैच के अंदर आपको कौन कौन से फीचर देखने के लिए मेरे, आपको यहाँ पर गेम प्ले करके बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं हम जैसे यहाँ पर क्विक मैच को आप ओपन करें तो आपके सामने कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। देखो इसके अंदर आपको रियल जर्सी देखने के लिए नहीं मिलेगी भाई क्विक प्ले के अंदर, क्योंकि भाई देखो आपको रियल जर्सी ऐड करना आपको कम्युनिटी फीचर्स को बाय करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको रियल जर्सी आप जब भी ऐड कर पाएगा, अभी कैसे आपको मतलब क्विक मैच के अंदर आपको रियल जर्सी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक अपना गेम प्ले करके बताया था। हम यहाँ पर देख सकते हैं सभी टीमों के आपको जर्सी तो देखने के लिए मिले, लेकिन कैसे आपको कुछ ही टीमों की यहाँ पर रियल जर्सी देखने के लिए मिलेगी, सभी टीमों की आपको रियल जर्सी देखने के लिए नहीं मिलेगी। और देखो इस तरह से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से आपको एक न्यू स्टैम्प भी देखने के लिए मेरा धर्मशाला का, जो कि अभी पेड है भाई, आप उसको यहाँ पर अनलॉक करना पड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आपको सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए वही सेटिंग मिले जो आपको रियल क्रिकेट 22 में देखने के लिए मिलती थी। आपको यहाँ पर शॉर्ट असिस्टेंट एक नया सेटिंग आया, जो कि भाई आपको
आप लोगों के लिए काम का नहीं है। यहाँ पर देख सकते भाई कमेंट्री भी आपको वही देखने के लिए मेरे जो आपको रियल करके 22 के अंदर देखने के लिए मिलती थी भाई, आपको सेम कमेंट्री देखने के लिए मेरे कमेंट्री में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, चाहे वो इंग्लिश हो गई हिंदी हो गई। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक मैच लगाकर बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते भाई आपको यहाँ पर स्क्वाड अगर आपको यहाँ पर रियल देखने के लिए मेरा जो भी यहाँ पर प्लेयर थे इंडिया टीम में जयसवाल ये सबको यहाँ पर ऐड कर दिया गया। यहाँ पर आपको रियल स्क्वाड आपको देखने के लिए मेरा इसके अंदर भाई यहाँ पर प्लेयर की टाइमिंग बराबर है जैसी पहले थी। तो यहाँ पर देख सकते आप सभी टीमों का आपको यहाँ पर रियल स्क्वाड आपको देखने के लिए मिल जाता। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक गेम प्ले करके यहाँ पर बता दो। तो देखा यहाँ पर देख सकते आप कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। देखो आपको ग्राउंड का लुक बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मेरा ग्राफिक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और यहाँ पर देख सकते ऑडियंस भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते भाई आपको ग्राफिक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है भाई। देखो स्मूथ गेम हो गया जो कि खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी कमेंट्री आपको पहले जैसे दिख रहा है, देखो आपको यहाँ पर गेम प्ले मतलब आपको सेम ही दिख रहा है रियल क्रिकेट 22 जैसा, लेकिन भाई यहाँ पर प्लेयर की बॉडी का मतलब यहाँ पर मोटा कर दिया गया। यहाँ पर देखो रियल फेस भी आपको कुछ कुछ प्लेयर यहाँ पर दिख रहा है, जैसे भाई स्मिथ हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, इनके बाद आपको यहाँ पर रियल फेस दिख रहा है लेकिन भाई आपको पूरे यहाँ पर रियल नहीं है, लेकिन आपको कुछ तरह से यहाँ पर रियल देखने के लिए मेरा देखकर ग्राफिक में यहाँ पर इंप्रूव हुआ है भाई, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा, न्यू कैमरा एंगल, न्यू आपको कटसीन भी इसके अंदर बहुत सारे आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने के लिए मेरा। देखो नेशनल एंथम भी आपको वही देखने के लिए मिलता है जो कि आपको रियल क्रिकेट 22 के अंदर देखने के लिए मिलता है। देखो इस तरह से आप यहाँ पर प्लेयर यहाँ पर सिलेक्ट मतलब यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पायर की आपको जर्सी देखने के लिए मेरे, आपको देखो यहाँ पर न्यू आपको यहाँ पर कैमरा एंगल आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखो प्लेयर की यहाँ पर एंट्री भी आपको न्यू यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं बैट्समैन की एंट्री भी आपको यहाँ पर न्यू देखने के लिए मिले जो कि बहुत अच्छे आप लोगों से बात है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको न्यू स्कोर कार्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा स्कोर कार्ड। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूथ यहाँ पर गेम को कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं स्कोर कार्ड अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने के लिए। और देखो यहाँ पर जो कंट्रोल है इनका जो कलर है इसको बहुत ज़्यादा पर लाइट करता है भाई, आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होगा भाई पहले यहाँ पर गेम खेलने के लिए, क्योंकि देखो आप मतलब कंट्रोल को यहाँ पर लाइट कर देगा। बाकी जो आपको गेम प्लेगा वही देखने के लिए मेरा जो आपको रियल क्रिकेट 22 के अंदर देखने के लिए मिलता था। चलिए मैंने आपको यहाँ पर फुल रिव्यू कर दिया भाई, जितने फीचर्स थे गेम के अंदर सब कुछ यहाँ पर बता दिया। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, मिलेगा कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।